हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की और एक डिटेल आ चुकी है उसके ऊपर देखेंगे। एफआईआई इसकी हम बात करेंगे, चौंकाया है क्योंकि कब जो है पिछले दिनों में, मतलब कि कुछ हमें कमेंट्स आ रहे थे कि जब यहाँ पर हैवी जब ये डिलीवरी जो है इसके अंदर बाइंग हो रही थी, सेलिंग हो रही थी, तो किसी को लग रहा था कि एफआईआई जो है वो शायद हो सकता है कि बेच कर निकल गए हो। अभी भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा था, अच्छे खासी एफआईआई की सेलिंग हुई और जब निफ्टी गिरा, लेकिन इसके अंदर एफआईआई की होल्डिंग बड़ी है। अभी भी एफआईआई का जो है इसके ऊपर क्या है भरोसा जो है वो अभी भी कायम है। और अभी इसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा वो भी हम एक एग्जांपल लेंगे, तो वो वीडियो भी आप ये भी मतलब कि जरूर देखें। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो वो यहाँ पर देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। पहले तो यहाँ पर अगर देखें ये सब इसका जो है डिटेल्स, मार्केट कैप और 52 वीक हाई लो, फेस वैल्यू और ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे हम इस वीकेंड के ऊपर। पहले तो यहाँ पर ज़रा देखें, प्रोमोटर के पास जितनी थी उतनी होल्डिंग है। एफआईएस की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.11% हिस्सेदारी बढ़ी है। ये भी अच्छी खासी, क्योंकि ये 83,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फिर भी मतलब कि ये 0.11% बढ़ा है एफआईएस का स्टेक, ना कि घटा है। ऐसे मामला अभी अगर देखें। और डीआईएस की बात करें तो उसकी होल्डिंग थोड़ी सी घटी है 0.02%। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग वो जो है घटी है, जैसे कि कल भी हमने देखा था रिटेलर्स भी जो है इसके अंदर थोड़े से घटे हैं। कितने घटे वो भी हम अभी नंबर्स भी इसके देखेंगे। तो यह आप देख सकते हैं एफआईएस का भरोसा अभी भी कायम है। हो सकता है इनको कुछ खबर हो जो हमको नहीं खबर, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी हो सकती है। यहाँ पर अभी भी अच्छा खासा एफआईएस 13% एफआईएस इसके अंदर घुसे हुए हैं। और यहाँ पर अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो ये जो है जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, और जैसे कि कल भी हमने देखा था, लेकिन एक ये नंबर्स की बात है यहाँ पर अदानी टोटल गैस। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं नीचे में ये जो है रिटेलर्स 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से अंदर की जिनकी शेयर होल्डिंग है, जून महीने में कितने थे, 6,44,000 के आसपास। और इनके पास शेयर्स कितने थे, 6 करोड़ और 8 लाख के आसपास के स्टॉक्स, और इतने मतलब कि नंबर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी परसेंटेज भी। अब यहाँ पर देखते हैं सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपेयर करें तो रिटेल निवेशक थोड़े से घट गए, अब 6,14,000 के आसपास रहे, मतलब कि 30,000 के आसपास की कमी। और शेयर किसने घटे, तो वो जो है 6 करोड़ और 61,000 के आसपास के शेयर है, मतलब कि 8 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी क्या रिटेलर्स ने क्या किया, सेल किया है इसके अंदर। हो सकता है किसी ने ऊपर में पार्सल प्रॉफिट बुक किया हो जब ये 1,250-1,200 के आसपास था, या फिर 1,000 रुपये के ऊपर था। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसकी परसेंटेज भी, तो ये यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, और वो जो बाइंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, डिलीवरी वॉल्यूम जब ऊपर था तब उस शेयर का प्राइस ऊपर था। अभी शेयर का प्राइस भी नीचे आया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है रिटेलर्स इस फंसते हैं या फिर ऐसा है कुछ। एफआईएस की बात करें तो वो भी फंस सकते हैं, लेकिन वो जो है हो सकता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो, उनको पता है कुछ कि और आगे चलकर जो है, अभी ये शॉर्ट टर्म में देखिए क्या होता है, वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो है आप लोग किसी कोई भी मतलब कि इसके अंदर मतलब कि बाई करें सेल करें वो तो अपनी अपनी मर्जी की बात है, या फिर होल्डिंग रखें। लेकिन अब यहाँ पर एक ज़रा देखें अदानी पावर इसी ग्रुप का शेयर, यहाँ पर इसको आप खास इसको समझें, मंथली चार्ट है ये, एक एक कैंडल पूरे मंथ की कैंडल है। अगर आप यहाँ से 2010 से लेकर अब तक की अगर बात करें, तो पहले ये जो है यहाँ पर भागा था, 100 रुपये से ऊपर गया था, 140 रुपये के आसपास या फिर उससे ऊपर होगा। उसके बाद क्या हुआ, नीचे गया, फिर ये कब से यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज बाउंड था, 2012-13 के आसपास और 2019-20 के आसपास। उसके बाद ये भागा, लेकिन ये जब भागा तब जो है कि यहाँ पर अगर देखें तो सीधा सीधा 900 रुपये के आसपास का हाई बना दिया, एक साथ सबका सब वसूल हो गया, ऐसा यहाँ पर जो है लग रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर भी अगर देखें इसको, ये रेंज बाउंड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जो है कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये पहले जो है 100 रुपये से ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद 100 रुपये के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी ये इस तरीके से उठा पटक तो रही थी, यहाँ पर रही थी। तो इसमें भी कई लोग जो है इस तरीके से, जैसे कि हमने बात की, जब स्टॉक रेंज बाउंड रहता है तो नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की, उसमें भी जो है अच्छी कमाई के मौके मिल सकते हैं, वो भी जिनको मतलब कि जो लोग करना चाहते हैं उसकी बात है। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, चाहे होल्डिंग रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर अदानी पावर की बात हो रही है, और जिन्होंने होल्डिंग रखी होगी उनको यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उठा पटक तो ये रही होगी। और उसके बाद क्योंकि ये एक एक कैंडल जो है एक एक महीने की कैंडल है, और ये 100 रुपये से नीचे ही कामकाज हो रहा था, फिर यहाँ पर ये जब तेज़ी आई वो भी कैसे आई वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर तेज़ हुआ, लेकिन फंडामेंटल भी इसके चेंज हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये इसका अदानी पावर का प्रॉफिट एंड लॉस है, रेवेन्यू और सब कुछ। यहाँ पर नेट प्रॉफिट सबसे पहले तो आप यहाँ पर ज़रा देखें,
तो 2021 तक ये क्या था, लॉस मेकिंग कंपनी थी अदानी टोटल गैस, तो फिर भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। यहाँ पर अगर देखें एक यहाँ पर एक मुनाफा हुआ था, बाकी ये लॉस में ही चल रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये मुनाफा में आई 2021 में, तब इसका शेयर जो है भागा होगा, उसके बाद लगातार अभी ये प्रॉफिट कर रही है और इसका मुनाफा बढ़ रहा है। अब इस साल कितना मुनाफा आता है वो देखना बनता है। और यहाँ पर अगर देखें तो हालांकि इसकी ये देखिए अदर इनकम भी थोड़ी बहुत थी, उसका भी जो है असर इसके ऊपर पड़ा होगा, इसका नेट प्रॉफिट। लेकिन फिर भी अदर इनकम के बावजूद भी अगर देखें तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर दिख रहा है। उसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर भी ये तेज़ी आई। तो कहने का मतलब ये है कि अदानी टोटल गैस के अंदर भी अगर इसका फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ता है तो इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। कई बार मैंने कहा है पी रेशियो अभी इसका हाई है, लेकिन आगे चलकर इसकी अगर अर्निंग बढ़ती है, ईपीएस बढ़ता है, तो पी रेशियो ऑटोमेटिकली नीचे आ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। उसमें वक्त लग सकता है। यहाँ पर भी अगर अदानी पावर के अंदर ये चार्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा था। अब इसके अंदर इतना टाइम लगता है नहीं, वो वक्त बताएगा, मतलब कि तेज़ी आती है नहीं वो भी वक्त बताएगा। क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो बात अलग है, जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, तब एक मोमेंटम पकड़ सकता है ऐसा लग रहा है। बाकी जैसे जैसे अगर इसकी प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है इसके अंदर, उसके बाद तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं, वो भी जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। क्योंकि छोटे टाइम में भी अगर देखें 5-10% के रिटर्न मिलते हैं तो भी वो कम नहीं होते। अभी फिलहाल इसके ऊपर क्या हो रहा है, हाँ ये भी एक बात है कि अभी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो है पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी सी कम हो गई है। अभी हम वो भी देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर क्या हुआ। 15 मिनट का चार्ट, आज कल का जो हाई था उसको तो ब्रीच नहीं कर पाया, लेकिन कल का जो लो था उसको भी जो इसके भी ज़्यादा नीचे नहीं गया, थोड़ा पूरा दिन जो है कंसोलिडेशन भरा रहा। यहाँ पर भी अगर हम देखें वीकली चार्ट के बाद ज़रा देखें तो पहले जब ये तेज़ी आई थी उसके बाद ये अच्छी खासी उठा पटक चल रही थी इसके अंदर, तब थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उसके लिए अच्छा रह सकता था तब के दिन, नीचे में खरीदना ऊपर में बेचना। अभी थोड़ी सी यहाँ पर ये भी है कि सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंस हुई है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि बीच बीच में कई बार इसने फिर भी मौके दिए हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 750 के आसपास गया, फिर ऊपर गया था। अभी जो है ये बिल्कुल एक ये अभी ये मतलब कि बनी है जहाँ पर ओपन हुआ था इस वीक, इसी लेवल के आसपास है, मतलब कि डोजी जैसी कैंडल अब तक बनी है। हालांकि हफ्ता अभी बाकी है, पहले तो अभी यहाँ पर देखें इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकल जाए तो जो है वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। कब से जब से इसके अंदर ये गिरावट आई है तब से इसके नीचे ही कामकाज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें जैसे ही इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक आया था। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं ये वीकली चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। यहाँ पर निचले लाइन के आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत इसने अच्छा खासा एक्चुअली थोड़ा बहुत नहीं 6% के आसपास ये बाउंस बैक दिया था। अभी फिलहाल ये लाइन जो है निचली और थोड़ी सी नीचे जा रही है, तो अगर गिरावट आती है तो ये 700 रुपये के आसपास या फिर 710 के आसपास जो है ये निचली लाइन जा सकती है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तब गिरावट आ सकती है, अदरवाइज ये बाउंस बैक भी इसके अंदर आ सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो अभी ये मिडल लाइन और जो इसकी निचली लाइन है उसके बीच में खड़ा है, तो मिडल लाइन के आसपास इसको एक तो पहला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो वहाँ तक जा सकता है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, वॉल्यूम ज़रा देखें 3 लाख के आसपास का, और यहाँ पर कितना लाखों का वॉल्यूम था। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बाजार का जो है किसी बात का वेट है, हो सकता है क्वार्टर टू के रिजल्ट का। साथ साथ जो है आगे हम देखते हैं MACD, तो यहाँ पर भी अगर देखें हल्की सी स्ट्रेंथ बढ़ी है, थोड़ा सा वो गुलाबी कलर का बड़ा छोटा बना है कल के मुकाबले। और अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, कुछ लेवल्स को पार करते हैं तो बुलिश क्रॉसओवर होने की भी संभावना रह सकती है। और RSI 36 के आसपास अभी भी है, तो इस वजह से सपोर्ट एरिया अभी भी इसका करीब दिख रहा है। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 757 का प्राइस है, यहाँ पर अभी देखें पहला सपोर्ट एरिया तो डेफिनेटली अभी भी 750 से लेकर 745 का प्राइस, उसके बाद जो है 725 के आसपास का जोन, उसके नीचे 710 से लेकर 700 का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका 775 से लेकर 780, उसके बाद जो है 800 रुपये के आसपास का जोन, और उसके बाद जो है 830 से लेकर अब की बार जो है 850 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ ये शॉर्ट टर्म में इस तरीके से वॉलेटिलिटी रह सकती है, और शॉर्ट टर्म में जो पहले सपोर्ट होता है वो अगर सपोर्ट टूट जाता है तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है। और सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें और ऊपर में अगर रजिस्ट्रेशन टूटता है तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फिर सपोर्ट का काम कर सकता है। और कई बार मैंने वो भी कहा है कि एक सपोर्ट अगर जो है वो टूटे तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्ट्रेशन अगर ऊपर की तरफ टूटे तो उसके बाद का जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। तो ये टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है अब वो जो है बाय करें सेल करें या फिर होल्डिंग रखें अपनी अपनी वो अपनी मर्जी की बात है। तो यहाँ पर जो कि हमने देखा FIS की अगर बात करें अभी भी उसका भरोसा बरकरार है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और एक चैनल डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।